वी आर सॉरी ऋतिक, आई जस्ट वांटेड टू क्विट नाइट नाइट समटाइम्स आई थिंक दैट आई शुड हैव। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लिक बेट करके आपको वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। मैं सच्ची में ये बात मानता हूँ। और सुन, वीडियो तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वैसे देख लेना पूरा। Is that, you know, I would really, I would fly as an actor if I didn't have the burden of being a star. बस इसी पे बात करेंगे कि क्यों ऋतिक को लगता है कि अगर उनका स्टार वाला टैग हट जाए तो वो बेटर एक्टिंग कर पाएंगे, बेटर रोल्स कर पाएंगे और ज्यादा गहराई में जा पाएंगे। उससे पहले एक बात बताओ मुझे, ऋतिक सुपरस्टार बने कैसे? वॉर 2 से पहले ऋतिक की कोई इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट मूवी तो नहीं आई थी, जबकि ऋतिक को खुद को लगता है कि किसी भी मूवी की सक्सेस जो होती है ना, वो बॉक्स ऑफिस नंबर ही होते हैं। फाइटर जो भारत की पहली एरियल मूवी थी, अबे पहली तेजस थी, भूल जाओ तेजस को, ओके हाँ हाँ ओके तेजस थी, भारत की पहली बेस्ट VFX वाली अच्छी मूवी फाइटर, ओके बॉक्स ऑफिस पर अंडर परफॉर्म करती है, जबकि मूवी जो है कुछ नया लेके आई थी अपने लिए। ऐसा कैसा सुपरस्टार है जिसकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे वर्क नहीं करती? रुकना, जब भी इंडियन सिनेमा में कुछ नया करने की बात आती है, कुछ अच्छा करने की बात आती है, पहली बार करने की बात आती है, तो उसमें ऋतिक का नाम सबसे पहले आता है। आप देख लो, चाहे साइंस फिक्शन, इंडियन सुपर हीरो, पहली मूवी ऋतिक लेके क्या है, कोई मिल गया अपना क्रिश। अब तक 24 साल हो गए उनको मूवीज बनाते हुए एज एक्टर, स्टार्ट के 3-4 साल छोड़ दो ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि उनकी सारी मूवीज एक दूसरे से अलग है, कुछ नया लेके आ रही है। ग्रीक गॉड, ऋतिक का डांस यार क्या जवाब ही नहीं है, ऋतिक की बॉडी, हमको बस यही देखना है, जबकि वो हमको क्वालिटी सिनेमा देना चाहते हैं। जब वो सुपर 30 करते हैं, विक्रम वेदा करते हैं, गुजारिश जैसी मूवी करते हैं, तो हमेशा उनके लुक्स पे कमेंट किए जाते हैं। वेल प्रिपेयर्ड अपनी पहली मूवी के लिए भी, सब कुछ पूरी ईमानदारी से तैयार किया था, जबकि वो तो नेपोटिज्म से आए थे ना भैया। उन्होंने अपनी 100% तैयारी करी कि कल को अगर मूवी फ्लॉप भी हो जाती है तो ये ना सोचना पड़े कि यार ये थोड़ा और बेहतर कर लेता तो मजा आता। इवन जब हम बोलते रहते हैं कि ओहो क्या बेहतरीन लगते हैं, ग्रीक गॉड है भैया, इन जैसा तो कोई दिखता नहीं, तब भी वो बोलते हैं कि अरे मेरा नहीं, ये लुक्स का कमाल नहीं है, ये कमाल है मेरे एक्सप्रेशन और लाइटिंग का, कैमरे एंगल का। वो छोटे छोटे मास मूवमेंट्स को इतना बेहतर बनाने के लिए अपने अंदर के एक्टर को जिंदा रखते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, वॉर का एंट्री सीन, एक बार फिर से चलाता हूँ, गे हैशटैग नो होमो, एक नॉर्मल सी वॉक है राइट, बट ऋतिक ने यहाँ पर भी एक फुल बैक स्टोरी बनाई इस सीन के लिए कि ये बंदा कहाँ से आ रहा है, अभी क्या कांड करके आ रहा है। और अभी फाइटर के लिए उन्होंने 3 बार बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया, और गुजारिश की तो बात ही मत करो तुम। सेल्फ अवेयर, एक चीज जो इंडियन सुपरस्टार्स के साथ है कि वो काफी डिल्यूजनल है, उनको लगता है कि वो बेस्ट हर चीज में, वो कैसे भी मूवी बनाएंगे वर्क कर जाएगी, पर ऋतिक को यहाँ पे उल्टा लगता है, उनको लगता है कि उनकी ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसमें उन्होंने अच्छा काम नहीं किया था फिर भी वो सुपर हिट हो गई है। वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर है। आप उनका कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो, जबकि उनके अर्ली डेज के भी आप इंटरव्यूज देखोगे और आज के भी इंटरव्यूज देखोगे, आपको पता लगेगा कि बंदा सेम माइंड सेट के साथ अभी भी काम कर रहा है। उनको स्टारडम पसंद है पर उसकी चेस में नहीं लगे हुए, वो अच्छे से इस बात को लेकर कि डांस और शक्ल की बातें तब तक हो रही है जब तक आपका काम जो है सक्सेसफुल हो रहा है। जिस दिन मूवीज चलना बंद हो जाएगी, कोई नहीं पूछेगा कि यार क्या ऋतिक की शक्ल लग रही है, देखा उस न्यूज में, मूवीज वर्क कर रही है इसलिए ऋतिक की बातें हो रही है। अब बात करते हैं हाउ वी फेल्ड हिम, अभी रिसेंट एग्जाम्पल से ही बात करते हैं। फाइटर ने वो कमाई नहीं करी है जो वो डिजर्व करती है, क्योंकि ये मूवी एक न्यू थिएटर एक्सपीरियंस था, फिर भी लोग देखने नहीं गए। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने पठान और गद्दर 2 जैसी मूवीज को सुपरहिट करा दिया, इतना बड़ा सक्सेस बना दिया? तो इसका मतलब तुमको ये लग रहा है कि मैं पठान और गद्दर 2 जैसी मूवीज की बुराई कर रहा हूँ? नहीं, तुमको लग रही है बात? नहीं लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही है ना? हाँ तो सही लग रही है, एकदम गोबर मूवीज है वो, है बुरी पिक्चरें, कर लो कुछ करना है जो ठीक है। और जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि लक्ष्य वो मूवी फ्लॉप है। जब भी बात आती है कि अपनी फेवरेट आर्मी मूवी बताओ, लोग खड़े हो जाते हैं, लक्ष्य हमारी फेवरेट आर्मी मूवी फ्लॉप हुई थी थिएटर्स में। और कई क्वालिटी सिनेमा के चौधे बैठे होंगे अपने आप को ऐसे सिनेफाइल करते घूमते हैं कि हमको तो क्वालिटी सिनेमा ही पसंद है, हमको मास मूवीज पसंद नहीं है। गुजारिश देखी है तुमने? देखिए क्या नहीं देखी ना? अबे सालो दोगलो, मैं बोलूंगा कि गुजारिश एक ऐसी मूवी थी जिसमें किसी बड़े इंडियन एक्टर ने, जो सुपरस्टार है, जो कैसी भी मूवी कर सकता था, कर सकता है, उसने ही रिस्क लिया। चलो मान लो कि थिएटर में तो तुम मूवी नहीं देख पाए थे, काफी टाइम पहले आई थी, घर पे देखिए, टीवी में देखिए, नहीं देखी ना, अरे भाग यहां से, अब देख लेना ठीक है। वो दिखाना चाहते हैं अपन को गुजारिश जैसी मूवी, लक्ष्य जैसी मूवी, वो दिखाना चाहते हैं अपन को सुपर 30 जैसी मूवीज, और एक नया थिएटर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं वॉर के साथ, फाइटर के साथ। और हम एक ऐसी ऑडियंस बन चुके हैं जो
उनको ओनली डांस करते हुए देखना चाहती है, उनको उनका शर्ट उतारते हुए देखना चाहती है। आई थिंक इज द ओनली सुपरस्टार जो बेहतर एक्टर है, तो जो उनपे सुपरस्टार का टैग लगा हुआ है, जो स्टारडम लगा हुआ है, उसकी वजह से वो अपनी एक्टिंग स्किल्स नहीं दिखा पा रहे जिस वे में वो दिखाना चाह रहे, जिन कहानियों के साथ वो दिखाना चाह रहे, क्योंकि उनको पता है कि जब उनकी ऑडियंस देखने आएगी और कल को वो गुजारिश जैसी मूवीज थिएटर में लगा देंगे तो वर्क नहीं कर पाएगी और उनकी ऑडियंस जो है वो डिसअपॉइंट होगी, क्योंकि उनकी ऑडियंस को देखना है वॉर वाला ऋतिक। बाकी तुम बताओ तुम्हारी फेवरेट ऋतिक मूवी कौन सी है? अभी वॉर 2 आएगी, काफी कमाल लगा था वो छोटा सा ग्लिम्स था। NTR है भैया मूवी में, जूनियर NTR, और साथ ही क्रिस 4 भी आएगी। इनके बीच कौन सी मूवी आ जाती है पता नहीं, पर पहले वॉर 2 आएगी। यहाँ पे मैंने बात करी है कि इंडियन मूवीज को ऑस्कर क्यों नहीं मिलता, ये वाला वीडियो भी चेकआउट कर लेना। बाकी बाय बाय।